जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो, सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो रहती है सर जी बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी। सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है वो रहती है किसकी बुक की, लाड दो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कि सर जी एसएससी जीडी की बुक कौन सी अच्छी, सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ठीक है, बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी, इनको पढ़ लिया तो नंबर पूरे के पूरे हो जाएंगे, लाड दो। अब जो मैं बुकें आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ी बुक है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा जो डिमांड रहती है उनके लिए सबसे अच्छी बुक है, सबसे अच्छी और बेहतरीन बुक है आपके लिए। तो जो मैं बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, आपको नीड है बुक की, तो आप जरूर परचेज करिए उन बुक को, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए। अगर आप तैयारी करें तो इनमें से कुछ ऐसी बुक है वो अनिवार्य आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो जरूरी है कि वो बुकें आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी अच्छी बुक है और उनमें से क्वेश्चन माइनर और बड़े बड़े छोटे बड़े हर एक एग्जाम में उनके क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छी पॉपुलर, और पॉपुलर से ज्यादा खास बात यह है कि अच्छी बुक है। कुछ बुकें ऐसी होती है जो पॉपुलर होती है, कुछ होती है जिसमें क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी वाली कुछ बुकें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बुक अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में होनी चाहिए, बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी, लाड लो। अगर इसको पढ़ लिया तो नंबर आपका पक्का तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको बुक है वो है, सबसे ज्यादा जो जरूरत है आपको वो है मॉडल पेपर बुक की। ये है एक मॉडल पेपर बुक है, मॉडल पेपर आते हैं इसमें, साथ में प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के पूरे के पूरे एसएससी जीडी के इसमें पेपर है जी, पिछले साल के एसएससी जीडी के पूरे इसमें क्या है पेपर है। तो ये मॉडल बुक है एग्जाम कार्ड की, और दोस्तों अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए, काफी अच्छी बुक है। इसमें 20 से 25 के आसपास मॉडल पेपर दिए गए, उनमें से 5-6 प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए हुए हैं, और आप जितनी ज्यादा मॉडल पेपरों से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला लाड लो। और अगर आप चाहते हो कि इस बुक को परचेज करें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये बुक ले सकते हो, ठीक है, सबसे कम रेट पे। तो ये बुक काफी अच्छी है मॉडल पेपर की, जिससे आपको नॉलेज होगा इसके सिलेबस के बारे में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसकी काफी आपको इससे जानकारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चलिए जी अगला, जीके के लिए अगर आपके पास में बुक नहीं है तो जीके की ये इंग्लिश में, जीके इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में जीके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जीके इन इंग्लिश लूसेंट की बुक है। हिंदी की ये बुक है, हिंदी में जीके के लिए काफी अच्छी बुक है, आप बिल्कुल परचेज कीजिए इन बुकों को, बहुत ही अच्छी बुक्स है, ठीक है। इनके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन लिंक्स के माध्यम से आप इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो, लॉकडाउन में आपके घर तक भी पहुंच जाएगी, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। चलिए जी आगे, ये है गाइड बुक, जिसको चाहिए कि एसएससी जीडी की पूरी गाइड बुक, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, गाइड बुक एसएससी जीडी के लिए। ये भी एग्जाम कार्ड की तरफ से आती है, एग्जाम कार्ड की ये बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन के नाम से, तो ये भी काफी अच्छी स्टडी बुक है। इसमें चारों सब्जेक्ट, मतलब कि गाइड बुक के पूरे चारों के चारों सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सभी एसएससी जीडी के एक ही बुक में, इसको बोलते हैं गाइड बुक, ठीक है लाडलो। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो, कोई संदेह नहीं है। चलिए जी आगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाम लिख के, ठीक है। चलिए जी आगे, गणित के लिए सबसे ज्यादा किस मेरे से पूछा जाता है, तो लाड दो मैं बता दूं, वैसे मैथ के लिए काफी बुक्स आती है, ये रामनिवास माथुरिया की आती है, किसकी, रामनिवास माथुरिया, ये पुराना वर्जन है, रामनिवास माथुरिया की ये बुक आती है गणित के लिए, काफी अच्छी बुक है, ये भी आप परचेज कर सकते हो, अच्छी बुक है मैथ के लिए। और जो मेरे साथ तैयारी करते हैं उनको मैं पीडीएफ फाइल से भी देता हूँ, और ये इस बुक से भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी बुक है, कोई कमी नहीं है इस बुक में। अंकगणित के लिए राकेश यादव की नोट्स बुक भी ले सकते हो, क्लास नोट्स, ये अंकगणित का उनका पोस्टर है, लेकिन इसके बजाय आप क्लास नोट्स उनके लोगे, वो काफी अच्छे हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी बुक है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अंकगणित के लिए भी ये बुक अगर आप हिंदी वर्जन में लेना चाहो तो ले सकते हो, ये इंग्लिश वर्जन में, ठीक है, हिंदी वर्जन में भी ये बुक आपको अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। ये आर एस अग्रवाल की बुक है, ठीक है, ये भी काफी अच्छी बुक है, एसएससी जीडी जैसे एग्जामों के लिए काफी अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है, एसएससी जीडी जैसे एग्जामों के लिए काफी अच्छी बुक मानी जाती है, ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो, और बढ़िया बुक्स है आपके लिए, ठीक है। इनमें से जो मैथ की मैं बता रहा हूँ उनमें से आपको तीनों नहीं लेनी है, कोई भी एक बुक आपके पास में हो सकती है, आप चाहो तो कोई भी एक बुक ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, और मेरे ख्याल से बुक्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन सभी की आपको लिंक मिल जाएंगे नीचे, आप वहां से परचेज कर। रीजनिंग के लिए, वैसे रीजनिंग के लिए मैं किसी फिक्स बुक को तो नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि रीजनिंग वैसे तो आपकी क्लास में ही
जैसे जो बच्चे मेरे साथ तैयार करते हैं उनकी क्लास में हो जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं उनको बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जैसे पीडीएफ के माध्यम से मिल रहे हैं या मॉडल पेपर की कोई बुक मिल रही है उससे मिलाइए। और अगर फिर भी आपको लेनी है तो आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, रीजनिंग की बुक अच्छी बुक आती है। इसके अलावा और भी बुकें आती है बहुत सारी मार्केट में रीजनिंग की बुक्स है, कोई भी ले लो, जरूरी नहीं कि किसी एक पब्लिकेशन के लो, कोई भी बुक्स ले लो उससे प्रैक्टिस करो, बस उसमें आंसर सही दिए हुए होने चाहिए। रीजनिंग के लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी आसानी बनती रहेगी। किसी भी बुक को, विशेष बुक का आपको मैं सजेस्ट करना मैं इसके लिए नहीं मानता, लेकिन हाँ फिर भी रीजनिंग के लिए आपको बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि आप प्रैक्टिस में है के मेन परफेक्ट, रीजनिंग में तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद में अगर हम बात करें सामान्य हिंदी के लिए, आप बुक ले सकते हैं, ये नहीं कोई भी हिंदी की तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एक हिंदी हिंदी की बुक कोई भी ले सकते हैं। मैं भी आपको हिंदी की पीडीएफ के रूप में बुक, ई बुक के रूप में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ई बुक, ठीक है, वो भी आप परचेज कर सकते हो ई बुक, ताकि वो कम पैसे में आपका काम बन जाएगा जी। ई बुक पूरी की पूरी आपकी हिंदी, उसमें ए टू जेड तक की पूरी हिंदी की बुक प्रोवाइड करवाने वाला। तो अगर मान लो इसकी प्राइस ज्यादा होगी तो वो अगर जिसको कम प्राइस में लेना है उसको मैं कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ई बुक वाला सेक्शन खोलना, वहां पर आपको बुक की पीडीएफ के रूप में बुक्स मिल जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, ठीक है। वहां से भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी की बुक्स, और बाकी बुक्स अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी अवेलेबल नहीं है, जल्दी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है लाडलो। तो बुक्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स है, ये बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, और फिर आप मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। कहां पर? कमांडो अकेडमी पब्लिक जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करके, कमांडो अकेडमी ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे साथ तैयारी कर सकते हो, किसकी? एसएससी जीडी की लाडलो, ठीक है। और ये बुक्स जो मैंने बताई ये नॉर्मल जो बुक्स है काफी अच्छी बुक्स है एसएससी जीडी लेवल के लिए। अब आप पूछोगे करंट जीके के लिए कौन सी बुक है, तो करंट जीके लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए हमेशा। इंग्लिश के लिए मैं एक दिन पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लुसेंट की भी बुक आती है इंग्लिश की, और भी दो तीन मैंने बुक आपको सजेस्ट की थी काफी अच्छी अच्छी बुक्स, ठीक है। रीजनिंग के लिए एक बुक मैं आपको, और अगर जिसको ज्यादा ही बड़ी रीजनिंग की बुक चाहिए तो उसको मैं एक बुक और बता सकता हूँ लाडलो रीजनिंग की। देखो एक ये भी बुक आती है, काफी बड़ी बुक आती है रीजनिंग की, ठीक है, ये काफी बड़ी बुक है, अगर जिसको ज्यादा ही रीजनिंग की बुक्स की जरूरत है तो वो ये बुक्स भी ले सकता है लाडलो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इन बुक्स से पढ़िए, आपकी बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, साथ में मेरे साथ तो आप पढ़ते हो हर रोज, तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और मैं प्रैक्टिस आपकी करवाता रहूंगा। जय हिंद जय भारत लाडलो।